हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स एंड द सेक्शन फॉर्मूला एंड मिड कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन लाइन। एक्चुअली बच्चों, हमें इस ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पोर्शन में हमें बेसिकली तीन ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक और टॉपिक था एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो एलिमिनेट कर दिया गया है इस साल, इससे पहले भी एलिमिनेट कर दिया गया था ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। तो बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक क्लास टेंथ में है, चाहे वो रिलेटेड पोर्शन हो या ना हो, उसको सब पढ़ा दें, क्योंकि बेसिकली आप जब प्लस वन में जाओगे, मैथ्स पढ़ोगे, ये टॉपिक ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे। तो आई होप हम कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता देंगे कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स या टू गिवन पॉइंट, दैट इज सेड टू बी डिस्टेंस फार्मूला। इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं आपको मेंशन कर दूं। फर्स्ट टॉपिक इज द डिस्टेंस फार्मूला, सेकेंड इज द सेक्शन फार्मूला। बेटा, सेक्शन फार्मूला के भी दो पार्ट होते हैं, एक इंटरनल सेक्शन होता है, एक्सटर्नल सेक्शन होता है। एक्चुअली इन योर सिलेबस ओनली इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला इंक्लूड, ठीक है ना, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला नहीं है। एक्सटर्नल वो कब पढ़ोगे, वो 11th में पढ़ोगे, तो मैथ्स में पढ़ते हो। तो सेक्शन फॉर्मूला। थर्ड पॉइंट है मिड कोऑर्डिनेट, मिड कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन लाइन, मिड कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन लाइन, किसी लाइन का मिड क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं वो पढ़ना है। फोर्थ टॉपिक है एरिया ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एरिया क्वाड्रेंट ज्योमेट्री के मेथड से कैसे निकालेंगे, इसी में आपका आ जाएगा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी डिस्टेंस फार्मूला में भी पढ़ने को मिलेगा, और बाय यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल वहां से भी हम लोग कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी निकाल सकते हैं। ये सब चीजें क्या है, आइए पहले समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बेटा डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, ये बॉडी तुम्हारा एक्स वाई प्लेन की तरह है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने क्या किया, इस एक्स वाई प्लेन में दो पॉइंट्स लिया, एक का कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिएगा, जो भी हम ज्वाइन करेंगे दैट इज सेड टू बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, इट इज सेड टू बी डी। डी या कहो या ए बी को, मतलब एक ही होता है। तो डी इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला रन कर सकते हो, इट इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू होल स्क्वायर, और डी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। एक्चुअली बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं एक्स वाई प्लेन में, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन एंड सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स टू वाई टू। तो उनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज रिटन एज ए बी, और इसी को हम लोग डी भी बोल सकते हैं। क्या होता है, अंडर रूट, देखो डिफरेंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। यहाँ भी देखो डिफरेंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई का होल स्क्वायर, तुम ऐसे भी लर्न कर सकते हो। तो क्या टेक्निक है, आपको कुछ नहीं करना है, देखो इस पॉइंट ए का एक्स क्वाड्रेंट यहाँ एक्स वन है, अब पॉइंट बी का जो एक्स क्वाड्रेंट है बच्चों एक्स टू है, तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर कर दो, प्लस से फिर देखो पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट वाई वन है एंड पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट वाई टू है, तो वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर कर दो। नहीं तो आप ऐसे सोचो, पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स टू है, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन है, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर कर दो, प्लस पॉइंट बी का वाई कोऑर्डिनेट वाई टू है, पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट वाई वन है, तो वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर कर दो। तो आप क्या देख रहे हो, आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है, समझना है कैसे हम डिस्टेंस निकालते हैं किन्हीं दो पॉइंट के बीच की। कैसे निकालेंगे बच्चों, वेरी सिंपल, अंडर रूट, ठीक है, डिफरेंस जो अंडर रूट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। इस बात का याद रखिएगा, अगर एक्स वन से एक्स टू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें वाई वन से वाई टू को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, उसको उल्टा मत कर देना तुम, मतलब एक ऑर्डर में चलना। अगर यहाँ सफिक्स वन है तो यहाँ भी वन होगा, यहाँ सफिक्स टू है तो यहाँ भी सफिक्स टू होगा,
ओके। एक बात और है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में मान लेते हैं हमारे पास तीन पॉइंट्स है, तो एक के लिए कहेंगे एक्स वन वाई वन, सेकेंड पॉइंट के लिए कहेंगे एक्स टू वाई टू, थर्ड पॉइंट के लिए कहेंगे एक्स थ्री वाई थ्री एंड सो वन। मतलब आपको x1 x2 की तरह नहीं ट्रीट करना है, मानना नहीं है, माना का जा कैसे आप सपोज करोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 ऐसे आप मान सकते हो, सपोज कर सकते हो। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स a एंड b इज हियर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोनों तरीके से लर्न कर सकते हैं, लर्न भी कर सकते हैं और ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं उस क्वेश्चन जिसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट्स बच्चों, द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म। हियर वी नो दैट ए क्वाड्रेटर हैविंग द फोर वर्टिसेस, इट मीन दैट देयर आर फोर कॉर्नर पॉइंट्स। तो बच्चों यहाँ जो फोर क्वाड्रेंट्स देख रहे हो, एक्चुअली इट इज द क्वाड्रेंट ऑफ देयर वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रेटर। तो हमें क्या करना है कि हमें बताना है कि ये क्वाड्रेंट एक्चुअली होगा क्या, क्या ये रोम्बस है, क्या ये पैरेललोग्राम है, क्या ये रेक्टेंगल है, क्या स्क्वायर है, देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को करना क्या है, सबसे पहले आपको इसको नेमिंग कर देना है और एक रफ ज्योमेट्री बनानी है क्वाड्रेटर की। तो मान लो बेटा हम एक कोई क्वाड्रेटर एट रैंडम बना देते हैं, क्योंकि अभी हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि स्क्वायर है कि रोम्बस है कि रेक्टेंगल है क्या है। तो आप जैसे आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जस्ट यू मे राइट ए क्वाड्रेटरल ए बी सी डी, और लेट अस सपोज दैट द क्वाड्रेंट ऑफ ए इज दिस एंड दिस इज द क्वाड्रेंट ऑफ बी, दिस इज द सी एंड दिस इज द डी। आप नेमिंग भी कर लेना। हम मान लेते हैं कि माइनस वन माइनस टू किसका क्वाड्रेंट है, वो पॉइंट ए का क्वाड्रेंट है। इट इज द वन जीरो इज द क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट बी, माइनस वन टू इज द क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट सी, एंड डी इज द क्वाड्रेंट ऑफ, सॉरी माइनस थ्री कॉमा जीरो इज द क्वाड्रेंट ऑफ पॉइंट डी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने हमने सपोज कर लिया। हम कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी, बेटा नेमिंग जरूर करते हैं, अगर नहीं दिया है तो अपनी तरफ से नेमिंग कर देना, एंड डी क्या है आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रेटरल। बेटा सबसे पहले ये क्वाड्रेटर ही बनाएगा, बाद में देखते हैं क्या बनता है, क्यों ये क्वाड्रेटरल। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब करते क्या है, अब हम प्रूफ करेंगे कि ये जो क्वाड्रेटर है चाहे स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो या जो भी हो, सबसे पहले हम इसमें साइड्स निकालते हैं। जैसे ए बी डिस्टेंस देखेंगे क्या है, बीसी डिस्टेंस देखेंगे, सी डी ए डी, देन डायगोनल भी देखेंगे। देखो दो डायगोनल, इट मीन दैट हमें छह बार सिक्स टाइम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, चार बार साइड के लिए और दो बार डायगोनल के लिए। अगर देखो जैसे आपने पढ़ा था स्क्वायर होने की क्या कंडीशंस होते हैं, स्क्वायर होने के लिए ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। और पैरोग्राम होने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए, पैरोग्राम होने के लिए ओनली अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, ओनली अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए। डायगोनल इक्वल है कि नहीं है ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में चल जाएगा। तो बच्चों जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं चीजों को समझा जाऊंगा, अभी समझा देंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ए बी निकालते हैं, सी डी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, ए डी बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो चलो बच्चों आते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ ए बी इक्वल टू, ए बी का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स या द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी के बीच की दूरी। देखो बेटा पहले ए क्वाड्रेंट मैं यहां मेंशन कर दूं क्या है, माइनस वन माइनस टू, बी क्वाड्रेंट क्या है वन जीरो, सी क्वाड्रेंट क्या है माइनस वन कॉमा टू, और डी क्वाड्रेंट क्या है माइनस थ्री कॉमा जीरो। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो पहले हम टेम्पलेट बना लेते हैं। देखो मेरा कोशिश ये रहेगा कि आपको फॉर्मुला लर्न करने की कोई जरूरत ना हो, रटना नहीं है कि अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, क्योंकि हर बार एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू सबके लिए चेंज होता रहेगा। बस याद रखो ए बी, ए बी कहां ये है, देखो ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस वन, यहां माइनस वन लगाइए, बीच में सा माइनस होता है, और बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वन है, अब इसका होल स्क्वायर होगा प्लस। अब देखो ए का जो वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस टू है, और माइनस लगाओ यहां, और बी का जो वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, बस हो गया। तो क्या किया मैंने, अंडर रूट
समझ लो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटा मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, तो y2 कुछ यही होगा। अब देखो a इक्वल टू, थोड़ा सिंपलीफाई करो, अंडर माइनस वन माइनस वन इट गिव्स माइनस टू का होल स्क्वायर, अब माइनस टू माइनस टू इट गिव्स माइनस टू का होल स्क्वायर, सो इट गिव्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर, प्लस फोर प्लस फोर एड करोगे रूट एट होगा, या टू अंडर रूट टू भी बोल सकते हो, यूनिट हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो ए बी जो लेंथ है ना वो किसके बराबर है, टू अंडर रूट टू यूनिट के बराबर है। हम डायग्राम को अपडेट करते ही चलना है। अब आते हैं, जब बेटा ए बी निकल गया तो उसी समय सी डी भी निकाल दिया करो, क्यों, क्योंकि अगर ये रोमबस होगा, अगर ये पैरोग्राम होगा तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। सो सी डी इक्वल टू, देखो हियर इज द सी एंड डी, द क्वाड्रेंट एक्स क्वाड्रेंट इन सी इज क्या है बेटा माइनस वन, बच्चों माइनस वन है, देन माइनस लगाइए, एंड डी क्वाड्रेंट एक्स क्या है माइनस थ्री है। देखो माइनस माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस सी क्वाड्रेंट का वाई, सॉरी सी क्वाड्रेंट का वाई क्या है टू है, तो टू माइनस, और डी क्वाड्रेंट का वाई क्या है जीरो, होल स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, माइनस वन माइनस माइनस थ्री इट गिव्स माइनस वन प्लस थ्री होल स्क्वायर, एंड टू माइनस जीरो गिव्स टू का होल स्क्वायर। बेटा आप चाहो तो ना एक स्टेप कम कर सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ लिख दे रहे हैं, तो सी डी इक्वल टू होगा रूट ऑफ माइनस थ्री प्लस माइनस वन प्लस थ्री क्या होता है टू होता है ना, तो टू का स्क्वायर फोर आएगा, यहाँ देखो टू का होल स्क्वायर फोर आएगा, सो अगेन इट बिकम्स अंडर रूट एट और टू अंडर रूट टू यूनिट। तो आप क्या देख रहे हो कि ए बी लेंथ क्या है टू अंडर रूट टू यूनिट के बराबर है, इट मीन दैट अपोजिट साइड इक्वल हो रहा है, ए बी इक्वल टू डी सी। अब चेक करते हैं ए डी क्या है और बी सी क्या है। अब आते हैं ए डी पे, बेटा देखो ए डी क्या है, बच्चों देखो बच्चों ए डी क्या है, ए डी इक्वल टू अंडर रूट, देखो ए डी, ए का जो एक्स क्वाड्रेंट है वो माइनस वन है, बीच में हमेशा माइनस लगाते हैं, और डी का जो एक्स क्वाड्रेंट है माइनस थ्री है, तो देखो माइनस यहाँ लगाओ तुरंत प्लस थ्री हो जाएगा, थोड़ा एक स्टेप में कम करता हूँ, ठीक है ना, क्या है माइनस वन, अब माइनस माइनस थ्री इट बिकम्स प्लस थ्री, देन प्लस लगाओ। अब देखो ए का जो वाई क्वाड्रेंट है वो माइनस टू है, बीच में सा माइनस होगा और यहाँ जीरो है, सो देखो माइनस वन प्लस थ्री इट गिव्स टू, और टू का होल स्क्वायर होता है फोर, प्लस अब माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू होगा, अब माइनस होल स्क्वायर भी होगा प्लस फोर, सिंप्लीफाई करो ये भी अंडर रूट एट यूनिट आएगा, और टू अंडर रूट टू यूनिट भी कर सकते हो। तो बेटा तो बच्चों ये भी जो यूनिट है ना वो टू अंडर रूट टू है। तो अब तक तुम क्या देख रहे हो, तुमने ये देखा कि ए डी का भी जो लेंथ है ना टू रूट टू के इक्वल है। अब आते हैं बी सी पे, तो देखो बी सी के लेंथ भी निकालते हैं। देखो छह डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है, सिक्स टाइम इस डिस्टेंस फार्मूला यूज करना होगा, चार बार साइड के लिए और दो बार डायगोनल के लिए। अभी तक तो ये लग रहा है कि सभी साइड बराबर होने वाले हैं, यानी हम कह सकते हैं या तो ये स्क्वायर होगा या तो ये रोम्बस होगा। स्क्वायर होने के लिए डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, और रोम्बस होने के लिए सिर्फ चार साइड बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं बी सी क्या देता है। तो बी सी देखो बी का जो कोऑर्डिनेट है, यानी बी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो वन है, अब माइनस, और सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो माइनस वन है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस वन हो जाएगा। ऐसे ही बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है जीरो है, बीच में से माइनस लगता है, और सी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो टू है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करो, वन प्लस वन टू होता है, टू का स्क्वायर फोर होगा, और ये माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस टू, माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर होगा, सिंप्लीफाई करो रूट एट आएगा, यहाँ हम कह सकते हैं टू रूट टू यूनिट होगा। तो तुमने ये देखा कि बी सी इक्वल टू क्या है, टू अंडर रूट टू भी है। यहाँ तक देखो दो बातें क्लियर है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी ईस्ट साइड्स आर इक्वल। अगर किसी क्वाड्रेटर के प्रत्येक साइड अगर इक्वल है तो इसका दो मतलब होता है, या तो वो स्क्वायर होने वाला है, या तो 100% वो रोम्बस है। इस समय हम 100% रोम्बस कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, कि रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है ऑल द साइड्स आर इक्वल, लेकिन स्क्वायर की प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, वो तो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी होगी, द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। मतलब स्क्वायर में और रोम्बस में थोड़ा सा डिफरेंस है, किसी भी क्वाड्रेटल में अगर चारों साइड इक्वल हो, यानी उसके सभी साइड इक्वल हो, तो तुरंत आप इसको स्क्वायर मत कहिएगा। क्यों ना कहें, क्योंकि रोम्बस के भी प्रत्येक साइड इक्वल होते हैं। तो क्या अंतर है दोनों में, स्क्वायर में डायगोनल भी इक्वल होते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल होते हैं, जबकि रोम्बस में डायगोनल क्या होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल नहीं होते हैं,
तो क्या होते हैं ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट ए स्क्वायर। याद रखिएगा एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, हर स्क्वायर रोम्बस है लेकिन हर रोम्बस स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए बेटा अब हम डायगोनल भी निकालेंगे। तो देखो डायगोनल क्या होगा ये देख लो। नाउ डायगोनल एसी, डायगोनल अगर इक्वल हो गया तो हम कह देंगे कि ये क्या है एबीसीडी क्वाड्रेटर क्या है स्क्वायर है। अगर इक्वल नहीं हुआ तो कहेंगे एबीसीडी रोम्बस है, ठीक है ना। तो देखो ए का जो एक्स क्वाड्रेंट है वो माइनस वन है, माइनस सी का जो वाई एक्स क्वाड्रेंट है माइनस वन है, तो इसका भी माइनस वन होगा। चलो दिखाई देते हैं तुमको अच्छे से। ए का जो वाई क्वाड्रेंट है माइनस टू होगा माइनस, और सी का जो वाई क्वाड्रेंट है वो टू है। अब देखो आप यहां से माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, दिखा दे रहे हैं। ये माइनस टू माइनस फोर होता है, ये तो जीरो हो गया। अब माइनस फोर का होल स्क्वायर 16 होता है, तो रूट 16 अर्थात 4 यूनिट आएगा, यानी जो लेंथ है ना बेटा एसी वो 4 यूनिट है। बच्चों जो एसी है वो 4 यूनिट है। अब ऐसे ही देखो अगर बीडी 4 यूनिट हो गया तो इट मीन दैट एबीसीडी बिकम्स स्क्वायर, अदरवाइज इट बिकम्स रोम्बस। तो देखते हैं अब हम बीडी निकालते हैं। बीडी का एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और डी का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। एक लाइन मैंने कम किया, कैसे किया, बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और डी का एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस 3, तो 1 माइनस माइनस 3 अर्थात 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस रहेगा इसके। हाँ जी बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है 0 माइनस, और बी का जो है सॉरी डी का जो है वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो क्या देख रहे हो आप, 1 प्लस 3 4, 4 का होल स्क्वायर 16 होगा, लास्ट वाले का 0 हो जाएगा, ओवरऑल 16 होगा अर्थात ये 4 यूनिट आएगा इसका भी। तो आपने क्या देखा, अब हम कंक्लूजन लिखते हैं। दस क्या देखा हमने, 10 ए बी इक्वल टू है बी सी इक्वल टू है सी डी इक्वल टू है ए डी इक्वल टू है 2√2 एंड, और क्या देखा आपने, ए सी इक्वल टू है बी डी इक्वल टू है 4 यूनिट के, आप यूनिट भी लिख सकते हो। सो ए बी सी डी डिफिनेशन से क्या होगा, ए बी सी डी इज ए क्या है स्क्वायर बेटा, ये स्क्वायर है। अगर बाय द वे बेटा अगर डायगोनल नॉट इक्वल होते तो हम कहते ए बी सी डी इज ए रोम्बस, लेकिन हमने देखा डायगोनल भी इक्वल है और ऑल द साइड्स आर इक्वल है, इट मींस दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इस बात का ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स हियर देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर आवर कैलकुलेटिंग द सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटल्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो बच्चों देखो आप अगर कभी भी कोई क्वाड्रेटल के चार वर्टिसेस दिए गए हों और अब ये पूछा जा रहा है कि क्या वो पैरेललोग्राम है, क्या वो रेक्टेंगल है, क्या वो स्क्वायर है, क्या वो रोम्बस है, तो कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। जैसे कि अ क्वाड्रेटर इज अ रेक्टेंगल इफ एंड ओनली इट इज सेड टू बी इफ एंड ओनली इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। बेटा देखो बच्चों देखो अगर कोई रेक्टेंगल है अगर उस रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल दिखाते हो और साथ ही साथ डायगोनल इक्वल दिखाते हो तब तुम कहोगे कि वह क्वाड्रेटल क्या है रेक्टेंगल होगा। यानी कोई भी क्वाड्रेटल रेक्टेंगल तभी हो सकता है इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अगर आपने बस ये दिखाया या ये आपने ये प्रूफ किया कि ओनली द अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल देन इट बिकम्स पैरेललोग्राम। याद रखिएगा पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर किस बात का होता है, डायगोनल्स का। अगर डायगोनल्स इक्वल है एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल है सो द क्वाड्रेटर फॉर्म रेक्टेंगल, अदरवाइज अपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल हो या ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में पैरेललोग्राम होगा। एक बात याद रखिएगा रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। तो आप बस पैरेललोग्राम अगर प्रूफ करना हो तो सिर्फ क्या करना होगा, आपको अपोजिट साइड इक्वल दिखाने होंगे, और रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा तो अपोजिट साइड इक्वल दिखाने के साथ साथ डायगोनल भी इक्वल दिखाने होंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोई भी क्वाड्रेटर रोम्बस तभी होगा जब उसके सभी साइड आपस में इक्वल हो, लेकिन अगर वह क्वाड्रेटर स्क्वायर होगा तो तभी हो सकता है व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो द डायगोनल्स आर इक्वल। तो डायगोनल इक्वल हो ऑल द साइड इक्वल हो तो स्क्वायर होगा, लेकिन सिर्फ सभी साइड इक्वल है तो उसे हम लोग रोम्बस कहेंगे, ठीक है ना। तो इन चार पॉइंट्स को दिमाग में रखिए, इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे जो कि बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल रिजल्ट्स हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म
हुज वर्सेस आर ए 4.5, बी क्वाड्रेंट है 7.6, सी क्वाड्रेंट 4.3, डी क्वाड्रेंट 1.2। तो हाउ टू सॉल्व द फर्स्ट यू हैव टू मेक अ रफ डायग्राम फॉर दिस। तो लेट अस सपोज दैट ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेंट हुज वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। तो फर्स्टली यू हैव टू मेक अ रफ डायग्राम फॉर द क्वाड्रेंट ए बी सी डी एंड मेंशन देयर क्वाड्रेंट आल्सो। ए क्वाड्रेंट है 4.5, बी क्वाड्रेंट है 7.6, द क्वाड्रेंट ऑफ सी इज 4.3, ओके, एंड द क्वाड्रेंट ऑफ डी 1.2। आप इसको रेगुलर नेम लिखिएगा, जंप मत करिएगा साइक्लिक ऑर्डर में, ए बी सी डी या ऐसे, ठीक है। तो हमने सपोज किया कि ए क्वाड्रेंट, बी क्वाड्रेंट, सी क्वाड्रेंट, डी क्वाड्रेंट। चलिए नाउ यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, अगर बच्चों पहले तो ये पता करते हैं कि क्वाड्रेंटर क्या है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जो भी हो। तो सबसे पहले हम लोग आल साइड्स निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी और ए डी का लेंथ निकालेंगे, एंड देन डायगोनल्स भी निकालेंगे। तो 6 टाइम्स डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा, ये तो कई बार बताया जा चुका है। तो पहले हम ए बी निकालते हैं। ए बी इक्वल टू, आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लेट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद ए बी इक्वल टू निकालते हैं। देखो अंडर रूट ए क्या है, देखो ए का क्वाड्रेंट है 4.5, बी का क्वाड्रेंट है 7.6। तो यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। देखो ए का जो एक्स क्वाड्रेंट है 4 है, माइनस बी का एक्स क्वाड्रेंट 7 है, होल स्क्वायर। सिमिलरली प्लस करो बीच में, बी का सॉरी ए का वाई क्वाड्रेंट 5 है एंड बी का वाई क्वाड्रेंट 6 है, होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करो, 4 - 7 क्या आएगा, -3 होल स्क्वायर, एंड 5 - 6 - 1 होल स्क्वायर। सो इट बिकम्स 9 + 1, अंडर रूट 10 होगा। चेक कर लो आप रूट 10, डायग्राम को अपडेट कर दो, ये लेंथ रूट 10 है, यूनिट लगा सकते हो आगे। नाउ अब सी डी निकाल लो, इससे ये पता चल जाएगा कि ए बी इक्वल टू सी डी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो सी क्वाड्रेंट, एक्स क्वाड्रेंट ऑफ सी क्या है, 4 है, माइनस डी क्वाड्रेंट के लिए एक्स क्वाड्रेंट यहाँ क्या है 1 है, होल स्क्वायर होगा। सी का वाई क्वाड्रेंट 3 है, यहाँ डी का वाई क्वाड्रेंट 2 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। बच्चों 4 - 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। सिमिलरली 3 - 2 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। और रूट 9 + 1 क्या देगा, रूट 10 देगा। तो आप देखो ये भी लेंथ क्या है, अंडर रूट 10 यूनिट है। सो अब तक तो यही लग रहा है कि अपोजिट इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी हो रहा है, शायद ए डी इक्वल टू बी सी हो जाए, देखते हैं। अब आते हैं बी सी और ए डी पे। चलो पहले बी सी फाइंड करते हैं। बी सी बहुत ही आसान है, देखो अभी तक मैंने डिस्टेंस फार्मूला रटवाया नहीं है कि अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ओके। आप विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, मतलब डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं लेकिन हम फार्मूला यूज लिख नहीं रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आपको डिस्टेंस फार्मूला के लिख करके सॉल्व करने की, चाहो तो मन करे करो। पहले टेम्पलेट बना लेते हैं इसको। चलो बी क्वाड्रेंट ये है एक्स, इसका क्या है 7, सी क्वाड्रेंट का एक्स क्या है 4, इसका होल स्क्वायर हो गया। बी क्वाड्रेंट का वाई क्या है 6, बी सी क्वाड्रेंट का वाई क्या बेटा 3। तो 7 - 4 क्या होता है 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 6 - 3 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अंडर रूट 18 हो जाएगा। इट मीन दैट 3 अंडर रूट 2 यूनिट होगा। ये जो लेंथ है बी सी, इट बिकम्स 3 अंडर रूट 2, डायग्राम को अपडेट कर सकते हो। अब आते हैं एडी पे, देखो एडी भी 3 अंडर रूट 2 हो रहा है क्या, चेक करो क्वाड्रेंट ऑफ ए, देखो ये है एक्स इसका 4 है, टेम्पलेट बना लेते हैं 4 माइनस और डी का एक्स क्वाड्रेंट क्या है 1 है, उल्टा मत लिख, 1 2 मत लिख देना जल्दीबाजी में। देखो ये ए का एक्स क्वाड्रेंट है और ये डी का एक्स क्वाड्रेंट है, बीच में सा माइनस होता है। ऐसे ही ए का वाई क्वाड्रेंट क्या है 5 माइनस और डी का वाई क्वाड्रेंट क्या है 2, थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 - 2 3, 3 का स्क्वायर 9। तो अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 रूट 18 होगा, या हम कह सकते हैं 3 अंडर रूट 2 यूनिट होगा। सो इट्स लेंथ AD इज 3 अंडर रूट 2। तो आप देखो डायगोनल सॉरी अपोजिट इक्वल है, तो अब तक तो अपोजिट इक्वल है तो दो बातें होंगी, या तो ये पैरोग्राम होगा या तो ये रेक्टेंगल होगा। अगर ये रेक्टेंगल होगा तो डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, और नहीं तो पैरोग्राम हो जाएगा। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो क्या बन जाएगा,
ये पैरोग्राम बन जाएगा। अब आते हैं डायगोनल पे। देखो बच्चों, डायगोनल पर एसी निकालते हैं, अंडर रूट ए का जो एक्स क्वाड्रेंट है, पहले टेम्पलेट बना दें, ए का जो एक्स क्वाड्रेंट है 4 माइनस और सी का एक्स क्वाड्रेंट 4, ये तो 0 हो जाएगा। एंड प्लस से बीच में ए का वाई क्वाड्रेंट है 5 माइनस और सी का वाई क्वाड्रेंट 3। देखो 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 5 माइनस 3 2, 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, तो 0 प्लस 4 रूट में है तो 4 ही आएगा ना, 2 यूनिट होगा। तो डायगोनल का लेंथ, एसी का जो लेंथ है वो 2 यूनिट है। अब आते हैं बीडी। देखो बीडी क्या हो रहा है, आप देखो तो बी का जो एक्स क्वाड्रेंट है वो 7 है और डी का जो एक्स क्वाड्रेंट है वो 1 है, बी का वाई क्वाड्रेंट 6 है, डी का वाई क्वाड्रेंट 2 है। अब देखो 7 माइनस 1 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 6 माइनस 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16, चेक कर सकते हो, ऐड करो रूट 72 आएगा। इट मीन दैट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी है। अब आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहो इसको और छोटा कर दो, ठीक है। सो हम कहेंगे देयरफोर, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी तक क्या प्राप्त हुआ, ए बी इक्वल टू मिला हमें सी डी एंड बी सी इक्वल टू मिला हमें ए डी, और क्या मिला हमें, ये तो अपोजिट इक्वल हो गए, और क्या मिला, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। हमने ये देखा कि डायगोनल इक्वल नहीं है लेकिन अपोजिट इक्वल है। अब ये दोनों कंक्लूजन से या दोनों रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों ये जो क्वाड्रेटर क्या फॉर्म करेगा, ये क्वाड्रिलेटरल सॉरी ये पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि डायगोनल तो इक्वल नहीं है बट अपोजिट इक्वल है, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। अगर डायगोनल इक्वल हो जाता तो इट बिकम्स रेक्टेंगल, अपोजिट इक्वल हो और डायगोनल भी इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होता है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं है बट अपोजिट इक्वल हो तो इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन हाउ टू सॉल्व, देन यू हैव टू मेक अ रफ डायग्राम फॉर ए क्वाड्रेटल ए बी सी डी। अभी इसको हम क्वाड्रेटल ए बी सी डी सपोज करेंगे और इसको सपोज करते हुए प्रूफ करेंगे कि इट इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम तभी होगा जब हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सिर्फ आपको अपोजिट साइड इक्वल दिखाने होंगे पैरेललोग्राम अगर प्रूफ करना है, आपको डायगोनल का लेंथ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आप अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करोगे फॉर ए पैरेललोग्राम। तो देखो कैसे, पहले रफ डायग्राम बना लो, मान लो क्वाड्रेटल ए बी सी डी है, अभी ये ना पैरेललोग्राम नहीं हुआ है, जब तक पैरेललोग्राम नहीं तब तक इसको हम लोग क्वाड्रेटल कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ए का क्वाड्रेंट मान लो 1 माइनस 2 यहाँ दिया है, बी क्वाड्रेंट है 3 6, सी क्वाड्रेंट 5 10, डी क्वाड्रेंट है 3 2। आप स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, लेट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अभी आप इसको क्वाड्रेटल ही मानोगे, बाद में पैरेललोग्राम होगा, एक बात पे ध्यान देना। लेट ए जिसका क्वाड्रेंट है 1 माइनस 2, बी 3 6, सी 5 10 एंड डी 3 2 क्या है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये आप सपोज करोगी, सॉरी पैरेललोग्राम नहीं, पैरेललोग्राम प्रूफ होगा, वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ओके। नाउ यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, ए बी इक्वल टू निकालिए क्या है, फिर आप सी डी निकाल लीजिए, फिर आप बी सी निकाल लीजिए, फिर आप ए डी निकाल लीजिए। देखिए ए बी पहले निकालते हैं, एक लाइन करते हैं, ए का जो एक्स क्वाड्रेंट है 1 है माइनस बी का एक्स क्वाड्रेंट 3 है, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस ए का वाई क्वाड्रेंट है माइनस 2 माइनस बी का वाई क्वाड्रेंट है 6, और सिंप्लीफाई करो आप, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 64। तो सिंप्लीफाई करो आप तो रूट 68 यूनिट आएगा। तो ये हो गया लेंथ रूट 68 यूनिट। इसको और थोड़ा
फैक्टराइज करके देख लेना कौन से टर्म बाहर आएंगे, या ऐसे ही रहने दो, रुकिए। नाउ सीडी अंडर रूट, सी का एक्स क्वाड्रेंट क्या है 5, डी का एक्स क्वाड्रेंट क्या 3 होल स्क्वायर प्लस सी का वाई क्वाड्रेंट है 10 माइनस डी का वाई क्वाड्रेंट 2 होल स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 माइनस 3 2, 2 होल स्क्वायर 4 प्लस 10 माइनस 2 8, 8 का होल स्क्वायर 64, इसको भी ऐड करोगे तो रूट 68 आएगा। तो आप देख रहे हो CD becomes root 68, इसका भी लेंथ root 68 है, यानी ये दोनों अपसाइड अपोजिट साइड क्या इक्वल हो रहा है। अब आते हैं BC, 3 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 होल स्क्वायर। कहीं से भी आपको फार्मूला रटना नहीं है, आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्या किया मैंने, B क्वाड्रेंट देखो, इसका x 3 है, C क्वाड्रेंट का x 5 है, सो 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, B क्वाड्रेंट का y 6 है, C का क्वाड्रेंट का y 10 है, तो 6 माइनस 10 होल स्क्वायर। नाउ 3 माइनस 5 माइनस 2, माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, सिमिलरली 6 माइनस 10 माइनस 4, माइनस 4 होल स्क्वायर 16, तो ओवरऑल ये रूट 20 होगा, ये जो लेंथ होगा रूट 20। आप चाहो तो रूट 20 को और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 2 अंडर रूट 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ रूट एडी, सॉरी लेंथ एडी, तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स क्वाड्रेंट है ए का 1 माइनस इसका 3 होल स्क्वायर और ए क्वाड्रेंट नहीं वाई क्वाड्रेंट है ए का माइनस 2 माइनस इसका डी का वाई क्वाड्रेंट है 2। देखो एक चीज, देखो ज्योमेट्री हम देखते सब कुछ कर रहे हैं, ज्योमेट्री नहीं बनाओगे तो सब चीज लिख नहीं पाओगे। 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, सो इट बिकम्स अंडर रूट 20। ये भी क्या हुआ, रूट 20 होगा। तो हमें ये प्रूफ करना था कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरोग्राम, तो हो तो गया, बस अब कंक्लूजन लिख दो। 10 इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, हमने क्या देखा कि ए बी इक्वल टू है किसके, सी डी के, एंड अब कितना है ये भी लिखते ना यार, नहीं तो एंड बी सी इक्वल टू है ए डी, देयरफॉर अब हम क्या जानेंगे कि ए बी सी डी इज क्या है, पैरेललोग्राम। कहीं से भी आपको यहाँ पे डायगोनल का लिंक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ये प्रूफ कर दिया कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और ये थ्योरम भी है, कोई भी क्वाड्रेटर पैरेललोग्राम तब बनता है इफ ईच अपोजिट साइड आर इक्वल। आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ा था, उसी का यूज करके हमने कह दिया कि ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द पॉइंट 3064 एंड -13 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। देखो यहां हमें प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, और हमें ये प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल आइसोसेलस होने के साथ साथ राइट एंगल भी हो, तो राइट ट्रायंगल भी हो। तो मान लो वो ट्रायंगल कुछ, हम एक डायग्राम बनाते हैं, सपोज ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हो सकता है कि एंगल ए 90 डिग्री हो, इट बिकम्स एंगल बी 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखते हैं, ये तो भी पता चलेगा जब हम उस ट्रायंगल का तीनों लेंथ पता कर लें, और जब तीनों लेंथ पता करेंगे तो आप देखोगे कि अगर ये आइसोसेलस होगा तो उस केस में कोई दो साइड इक्वल होगा, और राइट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, क्या था कि लॉन्गेस्ट साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होना चाहिए द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट टू साइड। तो वो कंडीशन को हम यूज करेंगे, तो वहां से हम राइट एंगल प्रूफ कर सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है। चलो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई जनरल ट्रायंगल है ए बी सी जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है 30, बी का कोऑर्डिनेट है 64 और सी का कोऑर्डिनेट है -13। बच्चों हम ये नहीं बता पाएंगे कि ये 90 डिग्री है या ये है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल ए होगा 90 या एंगल बी होगा एंगल सी, ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट ए बी एंड सी आर द, अभी तक तो ये ट्रायंगल है, बाद में प्रूफ होगा कि आइसोसेलस ट्रायंगल के साथ साथ राइट एंगल ट्रायंगल भी है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब हम डिस्टेंस पब्लिश करेंगे, लेंथ ए बी बी सी ए सी, पहले ए बी निकालते हैं, ए बी इक्वल टू
चलो देखो, ए का एक्स क्वाड्रेंट क्या है बच्चों, 3, एंड बी का एक्स क्वाड्रेंट क्या है, 6, होल स्क्वायर हो गया। ए का वाई क्वाड्रेंट बच्चों 0, बी का वाई क्वाड्रेंट 4। अब सिंपलीफाई करो तो 3 - 6 ये -3 होगा, इसका होल स्क्वायर, और 0 - 4 -4 का होल स्क्वायर, अगेन -3 होल स्क्वायर +9, और -4 होल स्क्वायर +16, ऐड करो √25, ये 5 यूनिट आएगा। और डायग्राम तुम अपडेट भी कर दो तो ए भी तुम्हारा है 5 यूनिट के। अब निकालो आप बीसी, एक्चुअली हमको तीनों लेंथ चाहिए, बीसी निकालते हैं। बीसी पहले ही आप टेम्पलेट बना लो। देखो बी क्वाड्रेंट में देखो एक्स इसका 6 है माइनस, अब सी का जो एक्स क्वाड्रेंट -1 है, तो जो ही हम -1 लिखेंगे +1 हो चुका होगा। बस यही जानना, जहां माइनस है मतलब माइनस तो इसमें रहता ही है, और इसके पास भी माइनस है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ऐसे ही बी का वाई क्वाड्रेंट 4 है माइनस, और सी का वाई क्वाड्रेंट 3 है। और सिंप्लीफाई करो, देखो 6 + 1 = 7, 7 का होल स्क्वायर 49, प्लस 4 - 3 = 1, 1 का होल स्क्वायर 1, तो √50 होगा। और √50 को आप शायद क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, 5√2 यूनिट कर सकते हो। 5 × 5 × 2 रूट में आएगा, 5 × 5 × 2, 5 का पेयर बना, 5 बाहर आएगा, 5√2। तो ये जो लेंथ है बीसी, इट बिकम्स 5√2। अब तक हमने दो लेंथ निकाल लिया ट्रायंगल एबीसी में, एक AB 5 यूनिट है, BC 5√2 यूनिट है। अब देखो AC क्या होता है। अच्छा एक बात बताओ, AB अगर 5 यूनिट है, BC 5√2 यूनिट है, तो कौन बड़ा होगा? जाहिर सी बात है कि BC लेंथ बड़ा होगा एज कम्पेयर टू AB। चलिए अब आते हैं लेंथ AC पे, AC निकालते हैं। आइसोसेलस होने के लिए कोई दो साइड इक्वल होना चाहिए, देखते हैं। AC इक्वल टू √, देखो AC में A का x क्वाड्रेंट क्या है 3, C के लिए x क्वाड्रेंट क्या है -1, तो -1 हो जाएगा, 3 + 1 का होल स्क्वायर। A के लिए y क्वाड्रेंट है 0 माइनस, C के लिए y क्वाड्रेंट है 3। अब देखो 3 + 1 होगा 4, 4 का होल स्क्वायर 16, प्लस अब -3 का होल स्क्वायर +9 होगा, ओवरऑल ये √25 होगा, और √25 क्या होता है, 5 यूनिट होता है। तो ये लेंथ हो गया 5 यूनिट। तो आप क्या देख रहे हो कि इन ट्रायंगल ABC, हमने ये देखा इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू है AC इक्वल टू है 5 यूनिट, एंड और क्या देखा, BC इक्वल टू है 5√2 यूनिट। देयरफॉर ट्रायंगल ABC क्या हो गया, अभी हो गया ABC इज, ठीक है, लेकिन अभी तक ये नहीं प्रूफ हो पाया कि राइट एंगल है कि नहीं। अब राइट एंगल कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, सभी लेंथ का स्क्वायर करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बिगेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, इक्वल है कि नहीं है। चलो देखते हैं, देखो अब हम राइट एंगल को प्रूफ करने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम निकालेंगे पहले AB का होल स्क्वायर, ये होगा 5 का होल स्क्वायर, ये होगा 25, फिर निकालेंगे AC का होल स्क्वायर, ये 5 का होल स्क्वायर, ये भी होगा 25। अब निकालेंगे BC का होल स्क्वायर, ये होगा 5√2 का होल स्क्वायर, ये होगा 50। तो आप क्या देख रहे हो, हियर वी सी दैट, क्या देख रहे हैं हम लोग कि BC का होल स्क्वायर इक्वल टू है AB का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो जैसे, एंड प्लस AC होल स्क्वायर। BC होल स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस AC स्क्वायर। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज ये करेगा कि इसमें देखो ए कॉमन है ना, तो यानी एंगल ए क्या है 90 डिग्री है, कहां से, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये होता है फ्रॉम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। समझा देते हैं बच्चों कैसे जाना कि ये राइट एंगल हुआ। जैसे देखो तुमने क्या देखा कि BC हाइपोटेनस हो गया, चलो इसको हम ऐसे समझा देते हैं, जिसे ऐसे बनाते हैं रियल डायग्राम इसका। मान लो ये AB है और ये
बी ए सॉरी ए बी है, नहीं नहीं गड़बड़ हो रहा है, ये ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, इसको ए यहाँ करते हैं हम लोग, सॉरी ये हम यहाँ पे इसको ए करते हैं, यहाँ बी करते हैं, यहाँ सी करते हैं। अब देखो ए बी लेंथ क्या है, ए बी लेंथ है तुम्हारा 5 यूनिट है और ए सी लेंथ है तुम्हारा 5 यूनिट है, तो हाइपोटेनस कितना हो गया, बी सी हो गया, ये 5√2 हो गया, उस केस में 90 डिग्री हुआ। ठीक है, इसे क्या साबित हो रहा है कि दिस ट्रायंगल ए बी सी बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो दस हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी, अब दोनों रिजल्ट को मिला दो, इज एन आइसोसेलस या राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल, इज अ राइट, प्रूफ हो गया हमारा एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल। तो देखो बच्चों, कभी भी कोई भी ट्रायंगल को अगर राइट एंगल प्रूफ करना हो तो पहले क्या करो, तीनों लेंथ निकालो, उसके साइड की जितनी भी लंबाई है, तीन लंबाई मिलेंगी, 3 लेंथ सर, निकालने के बाद क्या करो, प्रत्येक साइड का होल स्क्वायर करो, फिर तुम ये देखो कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका होल स्क्वायर क्या बाकी बचे हुए दो साइड के होल स्क्वायर के सम के इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल होता है तो समझ जाना कि दैट ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड था। तो बच्चों अभी हम लोग और सॉल्व करेंगे, आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो मैंने फार्मूला बेस्ड भी बता दिया है, बिना फार्मूले का भी यूज करना सिखा दिया है। तो पहले आप क्या करो, अपने एक्सरसाइज से, अपने बुक से, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करने का प्रयास करें। आई होप आप कर लोगे बड़े आसानी से। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।